को मिली बड़ी सफलता। जी हाँ, खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से है, जहाँ बिथान थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधी जो वर्षों से फरार चल रहे थे। कुख्यात अपराधी पांडव यादव उम्र 28 वर्ष, पिता शंकर यादव उर्फ बुट यादव को बिथान पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह अपराधी हसनपुर थाना क्षेत्र के साथ अंतर जिला बिहार राज्य के बेगूसराय पुड़िया में इसका नाम लंबित था। बिथान पुलिस टीम द्वारा टेंग रहा गायत्री मंदिर के सामने पुल के पास मोड़ पर लोडेड देसी पिस्टल एवं एक जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। अपराधी के बारे में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहरियार अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हसनपुर थाना क्षेत्र के मेदो चौक पर राम प्रवेश यादव के शव को रखकर ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम किया गया था। इस दौरान उपद्रवियों के साथ मिलकर ड्यूटी में तैनात हवलदार का लोडेड मैगजीन को छीन कर फरार हो गया था। जानवर व्यापारी के साथ लूटपाट एवं हत्या कर लाश को ईख के खेत में छिपा दिया था। ग्राम पंचायत सिहमा के मुखिया पुत्र रेवती रमन को वॉलीबॉल खेलने के दौरान शिव मंदिर के पास अपने भाई और अन्य सहयोगी के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दिया था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहरियार अख्तर ने बताया कि यह अपराधी कई कांडों में नामजद था। अनेकों बार प्रयास के बाद पुलिस पकड़ से गायब हो जाता था, लेकिन कड़ी मेहनत और बिथान पुलिस की सहायक कार्य के कारण अपराधी को गिरफ्तार किया गया। देखिए दिनेश पासवान की यह रिपोर्ट। पांडव यादव जो कई कांडों में बिथान, हसनपुर और दूसरे जिलों के कई कांडों में फिरार चल रहा था, एक कुख्यात अपराधी है। बिथान थाना के टेंगराहा मोड़ के पास एक गायत्री मंदिर है। हालांकि पूर्व में कई बार छापेमारी हुई है, कई बार पुलिस की पकड़ से छापेमारी के क्रम में पास पास से कई बार फरार हो गया, लेकिन कल जो है अंततः उसे टेंगराहा मोड़ के पास गायत्री मंदिर के पास जो है एक लोडेड देसी पिस्टल और एक गोली, यानी कि दो गोली, जिंदा गोली और एक पिस्टल के साथ जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। ये कुख्यात अपराधी है, बिथान थाना, हसनपुर थाना और बरौनी बनमंखी थानों के कई कांडों में फरार चल रहा था और मतलब गंभीर शीर्ष के भी, जिसमें हत्या वगैरह के भी कांड दर्ज हुए थे बिथान थाना में, उसमें भी ये फरार चल रहा था। तो अंततः जो है इसको मतलब कल गिरफ्तार किया गया।